असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी के बारे में डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे ये चीजें पूछते हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो में ऐड किया है। जैसे फॉर एग्जांपल असिस्टेंट प्रोफेसर जूनियर की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम आप लोगों का इतना पे ग्रेड होता है, ये मिनिमम लिखा है, इससे ज्यादा ही होता है तो टेंशन नहीं लेनी है। और अगर अराउंड मैं बोलूं तो जितना मैंने पिछले एक दो साल के अंदर लोगों से बात की है, असिस्टेंट प्रोफेसर से बात की है, तो अराउंड आप लोगों को 52,000 के आसपास मिल जाता है प्रोबेशन पीरियड के बाद। फिर अगर मैं बात करूं असिस्टेंट प्रोफेसर, आपकी ऑफ कोर्स सैलरी हाइक होती रहती है, पे ग्रेड के अकॉर्डिंग वो चलता रहता है, पूरा स्कीम है वो, इनमें नहीं जाना है। असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद में गाइज आप लोगों का होता है एसोसिएट प्रोफेसर, जो आपकी दूसरी मेजर जॉब होती है। देखो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद में लगभग 3 से 4 साल के बाद में एसोसिएट प्रोफेसर आप लोग बनते हैं। यहां पर आप लोगों की सैलरी दिखी हुई है, आप लोगों को सीटीसी ये भी मिनिमम लिखी हुई है, और फिर फाइनली आप लोग बनते हैं प्रोफेसर, ये भी मिनिमम लिखा हुआ है। ऑफ़ कोर्स जिस भी वेबसाइट पे आप चेक करोगे मिनिमम लिखा हुआ होता है, इससे ज्यादा ही आप लोगों की सैलरी होती है।